आत्मनिर्भर एमपी के सपने बुन रही शिवराज सरकार ने अपना बजट पेश किया, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कई अहम सौगातें प्रदेश की जनता को दी हैं। एमपी न्यूज के इस खास पेशकश के जरिए आप भी समझिए कि आखिर शिवराज सरकार के बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है। बजट में कोई नया कर नहीं, न ही पुराने कर में कोई बढ़ोतरी की गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने के लिए 6,432 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। प्रदेश में कई जगह 105 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 9 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खोले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में लगभग 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर करने की घोषणा की गई है। प्रदेश में 2,441 नई सड़कें और 65 नए पुल बनाए जाएंगे। ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 232 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। बजट के दौरान सरकार ने प्रदेश में 1,000 नई गौशालाएं खोलने की भी है घोषणा।